नमस्कार। आज मेरा साथ मुंबई से जोड़ रहा है कन्नन गोपीनाथन। आप शायद उनका नाम सुना होंगे। वो 2012 का IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अधिकारी थे। फिर उन्होंने अगस्त महीना में पिछले साल 2019 में इस्तीफा दे दिया। तो आज एक तरह से वो एक सामाजिक कार्यकर्ता बन रहे। लोग कह रहे हैं उसका वो राजनीति में भी आने चाहते हैं। तो बहुत सारे सवाल है मेरा कन्नन जी से, और उनका व्यक्तिगत भी अभी अभी उनके नाम में एक FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी लॉन्च किया। ये सारे विषय के ऊपर मैं उनसे सवाल उठाऊंगा। कन्नन धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप न्यूज क्लिक का दर्शक के साथ आप जोड़ रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल है, आप 23 अगस्त में आपने अपना इस्तीफा दिया। उस समय आप ये जो केंद्रीय शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव और दादरा और नगर हवेली, इनका जो ऊर्जा विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ पावर का सचिव थे। और उस समय आपने कहा कि जो कश्मीर में हुई है आप अत्यंत दुखित है, और इसीलिए यही आपने कारण दिखाया कि इसलिए आप IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आप त्याग कर रहे हैं, आपका इस्तीफा दे रहे हैं। मगर आपका जो त्याग पत्र है, आपका जो रेजिग्नेशन लेटर है, ये इन्होंने स्वीकार नहीं किया, माना नहीं, और आपको बोला अप्रैल महीना में कि आप दोबारा चले जाइए, ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। आप कह रहे हैं कि हमने तो इस्तीफा दे दिया, हम क्यों ज्वाइन करेंगे। सवाल, मेरा सवाल, आप अगर इस वक्त, यह महामारी के समय है, एक आर्थिक संकट के समय है, आप IAS ऑफिसर होके आप आम आदमी को, आम नागरिक को जितना आप सेवा दे सकते हैं, जितना सुविधा दे सकते हैं, आप इस्तीफा देके बाहर रह के एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के आप नहीं इस तरह से लोगों को मदद कर पाएंगे। आप मेरा बात से आप मानेंगे, मेरा बात आप मानेंगे? देखिए, जो रेजिग्नेशन दिया था वो करीबन 9 महीना हो चुका है अभी, पिछले अगस्त 2019 में दिया था। और 370 हटाना या फिर उसके लिए नहीं रेजिग्नेशन दिया था मैंने, उस टाइम भी कई बार इस चीज को क्लैरिफाई किया था। 370 हटाना मैं नहीं समझता हूँ कि कोई पॉलिटिकली या इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए कोई वाइज डिसीजन था, ये तो मैं नहीं मानता हूँ। पर ऐसे बहुत सारे डिसीजन से जिससे आप सहमत नहीं होते हैं, सर्विस में रहते हुए भी बहुत सारे डिसीजन से जिससे आप सहमत नहीं होते। पर जिस तरीके से 370 हटाने के बाद एक सरकार, जो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है हमारा, एक संवैधानिक गणतंत्र है, जिस तरीके से वहां के लोगों के ऊपर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, तुम में से कोई भी अभी बाहर नहीं निकल सकते, चाहे मोबाइल कनेक्टिविटी बंद होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद होगा, लैंडलाइन बंद होगा, कर्फ्यू होगा, घर से नहीं निकल सकते, जितने भी जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे उन सबको जेल कर दिया गया, यूथ थे उनको जेल कर दिया गया, कहीं दूर भेज दिया, ये सब एक और नाइट चीजें हो रही थी हमारे देश में। और हमें वो सब आउटरेज के लायक भी नहीं लग रहा था। बहुत सारे आप देखेंगे उस दौरान कि अगला दिन, मुझे याद है मेरा कॉन्वर्सेशन मेरी वाइफ के साथ उस दिन शाम को कि देखो इसके खिलाफ कम से कम आवाज उठेगा, इस तरीके की चीजें हमारी डेमोक्रेसी में नहीं हो सकते जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है उसका चिंता बहुत ज्यादा था उस दौरान। और सरकार एक पार्ट होता है, सरकार कई बार जो है अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, पर एक इंस्टीट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में बहुत और भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या जो मतलब जो मीडिया है या फिर सिविल सोसाइटी है या ऑपोजिशन पार्टीज है या मेरे और आप जैसे सिटीजन्स है, हम सब मिलके एक देश को बनाते हैं। सरकार जब ये कर रहे थे उसके बाद सबको बोल दिया कि इसके खिलाफ जो भी बोलेगा वो सब देशद्रोही है, जो भी हम कश्मीर में कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ कुछ भी बोलेगा। 370 हटाना एक पार्ट है, जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसके खिलाफ भी कोई कुछ नहीं बोल सकता। और इफेक्टिवली आप देखोगे हमारी मीडिया जितने भी थे, मैक्सिमम मीडिया ये 20 दिन तक यही कवर किया कि वहां के लोग मिठाई बांट रहे हैं और वहां पे लोग खुश है, और हमारी जनता को हम बेवकूफ बना रहे थे। और जुडिशरी जो है उस दौरान देखेंगे, एक IAS ऑफिसर मतलब जो रिजाइन किया था, शाह फैजल, उनको भी अरेस्ट किया गया था उस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट में।
ना IAS के ऑफिसर्स ने किसी ने आवाज उठाई उनके लिए कि किसी ने पूछा कि बोला है कि गलत है। जिस तरीके से जुडिशरी हेबियस कॉर्पस पिटिशन तक लेने के लिए तैयार नहीं था, मतलब हेबियस कॉर्पस बंदे को पकड़ के ले गया, वो क्यों पकड़ के ले गया, कहाँ पे है, ये तो हमारी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फंडामेंटल राइट्स की। तो जिस तरीके से ब्रेजननेस के साथ इस सरकार ने पेशन किया, वो मुझे नहीं लग रहा था कि हमारे देश के लिए सही है, और आवाज उठाना जरूरी था। इसीलिए उस टाइम लगा कि अंदर रहते हुए देखिए बहुत सारे छोटे छोटे चीजें मैं कर सकता था, या 27 साल और सर्विस बाकी था तो 27 साल में शायद कभी बड़े चीज भी करने का मौका मिलता, पर फिर भी इस दौरान बाहर निकल के आवाज उठाना जरूरी था। थोड़ा सा जग मतलब एक एक क्या बोलते शॉक टाइप जरूरी होता है, मुझे ऐसा लगा कि बाहर निकलना है और आवाज देना बोलना बोलना। मैं कर्नन आपको दोबारा वही सवाल दोबारा पूछ रहा हूं। हाँ जी, आपका खिलाफ दमन का पुलिस ने एक FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोला कि आप जानबूझ के ड्यूटी वापस नहीं आ रहे, और आपके खिलाफ एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट जो 1897 का कानून है, एक और कानून है डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये जो आपदा प्रबंधन का जो कानून है ये 2005 का, और इसमें लिखा है कि आप एक तरह से डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, आपका जो ड्यूटी थी आप वो पालन नहीं कर रहे। और वही सवाल मैं दोबारा, मैं कश्मीर के बारे में बहुत कुछ आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उससे पहले सवाल जो उठा रहा हूं, आप एक IAS ऑफिसर रह के आप आम आदमी के लिए जो काम कर सकते थे, वो दमन दीव या दादरा नगर हवेली और कहीं भी, वो आप बाहर आके एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के एक तरह से आप मार्टर है, आप अपने आप को मार्टर समझते हैं, अपने आप को समझते हैं कि आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता बन जाएंगे, इसका क्या फायदा हुआ? एक यू पुट अप व्हाट इज कॉल्ड अ सिंबॉलिक फाइट, आप दिखाने के लिए किया। अब हमने मान लिया आपका जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज है, ये पूरा समझौता है आपका प्रणाली, फिर भी तो मैं आप अभी क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं वॉलंटरली आप लोगों को मदद करेंगे? तो ये जो है 9 महीने के बाद रेजिग्नेशन करने के बाद, उस दौरान ये जो NRC सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके दौरान भी कई बार 2-3 बार डिटेन किया गया था, प्रोटेस्ट में था कई जगह पे, ये सब करने के बाद 9 महीने, और सैलरी भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि अगस्त महीने जो काम किया था उस दौरान से लेकर अभी तक सैलरी भी नहीं है, किसी भी तरीके का सरकार से भी कम्युनिकेशन नहीं था। और जब ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया गया, उसके बाद उन्होंने मुझे चिट्ठी भेजा लॉकडाउन के बाद अप्रैल में कि आप वापस ड्यूटी ज्वाइन करिए क्योंकि आपका इस्तीफा जो है अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इसका जो है बहुत ज्यादा मतलब, मैं भी रह चुका हूँ सर्विस के अंदर, तो मैं समझ गया था कि ये इसका वापस ज्वाइन कराने का कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि दादरा नगर हवेली दमन दीव में एक भी केस नहीं था, अभी भी आप देखोगे तो एक केस है आज जो देखेंगे तो। और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे IAS ऑफिसर इस चीज से जुड़े हुए हैं, अगर मैं सेक्रेटरी पावर होकर वापस ज्वाइन करता तो मेरा कोई रेलेवेंस नहीं होता, इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो है, जो कलेक्टर्स है वो ज्वाइन करे। आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कितने सारे IAS ऑफिसर्स हैं, उसमें से 2/3 जो है घर पे बैठे हैं, आज भी 2/3 IAS ऑफिसर्स घर पे ही है, क्योंकि रोस्टर सिस्टम लगाया हुआ है कि एक डिपार्टमेंट में कितने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, सब के लिए कि एक ऑफिसर आ सकता है एक दिन के लिए, एक डिपार्टमेंट में 2 लोग आ सकते, यही चल रहा था पूरा लॉकडाउन के, अभी कुछ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले उन्होंने कुछ चेंज किया है इस पे। तो ये दौरान में जब आपकी खुद की ही जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, जो लोग काम पे थे जो सैलरी ले रहे थे, उनको आपने वापस ज्वाइन करने के लिए नहीं कहा, दादरा नगर हवेली दमन दीव के जो एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स थे उन लोग भी उधर नहीं थे, 2 लोग थे जो बाहर थे, उनको वापस आने के लिए नहीं कहा गया। सोचिए जो छोड़ दिया 9 महीने पहले, उनको आप इस दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट का जिक्र करके बोल रहे कि तुरंत वापस आ, और वो भी लॉकडाउन के दौरान, मैं चाहते हुए भी नहीं जा सकता था। तो ये मुझे नहीं लग रहा था कि कोई अच्छे इरादे के साथ बुलाया गया है, ये क्लियर था, क्योंकि सरकार को चैलेंज किया था मैंने, बाहर निकलते हुए भी चैलेंज किया था, और एक तरह से आपके खिलाफ एक बदला ले रहे अब कह रहे कि आपका जो त्याग पत्र है हमने एक्सेप्ट नहीं किया, हमने माना नहीं है, आप वापस आ जाइए ड्यूटी में। एक तरह से आप समझते, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ कहा, नरेंद्र मोदी सरकार का खिलाफ बातचीत किया सार्वजनिक मंच पे, पब्लिक मीटिंग्स में, तो आपके एक तरह से आपके पीछे लगे हैं,
आपके खिलाफ बदला लेने चाहिए। बेसिकली इसका मैं समझता हूँ दो चीजें थी, क्योंकि लास्ट 2018 में जब केरला में फ्लड हुआ था तब तो मतलब यहाँ से जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग कर सकते थे एफर्ट्स वो किया। उसके बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ के ये कहा था कि मुझे पर्सनली भी वॉलंटियर करना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा डिजास्टर है और हमें, तो मैं गया था अकेला जाके 7-8 दिन वहां पे काम किया था और बाद में फिर मतलब ये बाहर आया था कि काम किया था करके। तो एक था कि मुझे लगता है कि एक रेपुटेशन या डिस्क्रेडिट करना, जो भी सवाल उठाते हैं जो भी इनके खिलाफ बोलते हैं सबसे आसान तरीका है कि उनको डिस्क्रेडिट कर दो, क्योंकि डिस्क्रेडिट करने के बाद उनकी आवाज की कोई मतलब नहीं रहता है। तो डिस्क्रेडिट करने का एक मौका भी था, दूसरा था जेल भेजने का, क्योंकि सारे लोग पूछ रहे थे करोगे क्या, मतलब तुम्हारे खिलाफ अगर तुमने अगर इस्तीफा उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और तुम ज्वाइन नहीं कर रहे हो और तुम बाहर जा रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ वो एक्शन ले सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं, वो डिसमिस कर सकता है, वो मेरा जो ग्रेच्युटी है, जो पेंशन की, जो भी एनपीएस की पार्ट है, वो जो भी एक्शन लेना है ले सकते हैं, मुझे उससे कोई परवाह भी नहीं है। पर वो अरेस्ट तो कर नहीं सकता क्योंकि कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था कभी भी। पर जब डिजास्टर डिक्लेयर किया गया तब वही चीज वो उनको समझ गए थे कि उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जा सकता है, तो क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे तो अरेस्ट भी कर सकता है। तो ये अप्रैल में या अप्रैल फर्स्ट वीक में मैंने पढ़ा था उसको, तो ये जो आया है उसके अंदर ये लिखा भी है, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये दोनों एक्ट की जिक्र भी किया था। उन्होंने भी मेल पे लिखा था, मेरी कोई जरूरत भी नहीं था कि वो मेल पढ़ के मुझे, मैं उसका रिप्लाई करूं, मैं उसको छोड़ भी देता। खनन, एक और एफआईआर आपके खिलाफ है और साथ साथ वकील जो प्रशांत भूषण है इसके आपके खिलाफ है, ये है राजकोट गुजरात में, पुलिस ने ये एफआईआर लॉन्च किया। एक शिकायत है वहां का एक आर्मी जवान, वो रिटायर्ड है, जयदेव जोशी जी, उन्होंने कहा एक कि आपने ट्वीट किया कि डॉक्टर का वेतन आप काट रहे हैं और ये पैसा लेके आप पीएम केयर्स फंड में, आप बोल रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री राहत कोष में आप दे दीजिए, या जो अंग्रेजी में नाम है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, तो इसके खिलाफ आपने कहा। और आपने ये भी सवाल उठाया, व्हेन डिड क्रिटिसाइजिंग नरेंद्र मोदी बिकम इंसल्टिंग रिलीजन। आपने सवाल उठाया कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टिप्पणी कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि हम कहीं किसी का धर्म को अपमान कर रहे हैं, हाउ एम आई इंसल्टिंग रिलीजन। तो क्या लग रहा है, क्यों ये पुलिस आपके खिलाफ, प्रशांत भूषण के खिलाफ ये एफआईआर लॉन्च किया राजकोट गुजरात में? पता नहीं, कई सारे चीजें गुजरात से मुझे भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, खैर मैं जब तक उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है तो मैं सार्वजनिक तौर पर उसको बताना नहीं चाहता हूँ क्यों इसके पीछे क्या था और कौन था। पर बहुत ही फनी चीज है कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर में लिखा है वो 295A है, वो है इंसल्टिंग रिलीजन, मतलब उसके कारण जो नॉन अवेलेबल और कॉग्निजिबल ऑफेंस है। और जो ट्वीट लिखा था वो ये था कि रायपुर में जो डॉक्टर्स है उनकी एक दिन का वेतन काट रहे थे और पीएम केयर्स में करने के लिए, और उसमें लिखा गया था अगर आपको नहीं, आपका सैलरी नहीं काटना है तो आप लिखित में दीजिए कि मेरा सैलरी ना काटे और पीएम केयर में ना डाले। ऐसे कोई भी करेगा नहीं जो सरकारी एम्प्लॉय है, इस तरीके से तो लिखेगा नहीं, तो इफेक्टिवली एक फोर्स्ड कट था। उसको मैंने लिखा था और मैंने ये लिखा था कि आई एम अशेम्ड ऑफ यू प्राइम मिनिस्टर, कि ये टाइम पे डॉक्टर्स के टाइम साथ सॉलिडारिटी दिखाने के जो टाइम है उस टाइम पे आप उनकी सैलरी काट रहे हो। ये तो अगर कोई जंग लड़ रहे हैं हम और उनकी जो जवान है उनकी सैलरी काटते हैं पीछे से, तो इस तरीके का चीजें हो गई। तो मैंने बहुत ही गुस्से में ही लिखा था, खैर वो ट्वीट भी ऐसे ही था, I am ashamed of you, even say, you know, say that I'm you know, ashamed of you. ये लिखा था मैंने। पर उस पे उन्होंने लिखा है 295A का वो लगाया, वो प्रशांत भूषण के खिलाफ तो उनके खिलाफ वो रामायण के कोई कमेंट के ऊपर था, मेरे खिलाफ तो इस ट्वीट पे उन्होंने कर दिया। मैं तो शॉक में था कि, और उस पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी लिखा है कि मेरा जो ट्वीट है वो प्रशांत भूषण जी ने उन्होंने रिट्वीट किया, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी हो गया। तो अब, और ये भी वो पैंडेमिक के दौरान, तो पहला वो एफआईआर था, उसके बाद दूसरी एफआईआर है, मतलब जो डिजास्टर मैनेजमेंट और इसके अंदर की जो एफआईआर है। मैं समझता हूँ कि देखिए, सरकार एक पावरफुल एंटिटी है और हम लोग खुल के जब लड़ते हैं, सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, वो आवाज दबाने का कोशिश करता है, वो कोशिश करेंगे चाहे आपको डिस्क्रेडिट करके
डिस्क्रेडिट करते हुए करेंगे, आपके ऊपर कुछ किसी भी तरीके का एलिगेशन लगा के करेंगे। पहले यह था कि मैं कुछ पता नहीं कुछ करप्शन करके भाग गया था, या फिर कुछ मेरे ऊपर बड़ी इंक्वायरी चल रही थी, उसके बाद जब उसकी सच सामने आई तो वो खत्म हो गई बात। उसके बाद दोबारा उन्होंने वापस मुझे ही बुला रहे, अब उनको लग रहा था कि मुझे निकालना चाहिए था, तो वापस बुलाए क्यों, फिर अभी क्यों बुला रहे। तो ये किसी भी तरीके से, क्योंकि आवाज को दबाने का एक तरीका है, अभी लास्ट है कि अभी जेल भेज दूंगा, कनन भेजने देते। कनन आप कुछ दिनों से सरकार जिस तरह से जो प्रवासी मजदूर का जो राहत देना चाहिए, आपने आलोचना किया, आपने कहा सरकार का जो करना चाहिए था नहीं किया, जो किया बहुत कम किया, जो किया बहुत देर करके किया। और ये औरैया उत्तर प्रदेश में जो सुबह 3 बजे एक दुर्घटना में 24 प्रवासी मजदूर का मौत हुआ, उसके बाद भी आपने सरकार का टिप्पणी किया और प्रधानमंत्री ने संवेदना प्रकाश किया, आपका और भी मंत्री लोग संवेदना प्रकाश किया, जैसे हरदीप पुरी, मगर आप फिर भी क्यों इतना टिप्पणी कर रहे हैं सरकार का? सरकार कह रहे हैं हम मुफ्त में खाना दे रहे हैं, अनाज दे रहे, रसोई गैस दे रहे, बैंक का खाता में पैसा दे रहे। निर्मला सीतारामन कहा कि इसमें आप राजनीति क्यों ला रहे, सरकार कोशिश कर रहे कि जो जो हमारे जो प्रवासी मजदूर है उनको मदद करने के लिए, राज्य सरकार को कह रहे हैं मदद करने के लिए, तो आप इतना टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? आप इस समय जो एक आपदा का समय है, एक संकट का समय है, आपको तो वो सरकार को मदद करना चाहिए, सिर्फ आलोचना नहीं करना चाहिए। हाँ जी, तो मेरी अगर मेरा आप ट्विटर लाइन देखेंगे, मैं 16 मार्च को मैंने लिखा था कि हमारा जो ये जब तक ये एक अमीरों का डिसीज रह जाता है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब पॉसिबल है, जब जैसे ही ये वहां से निकल जाएगा तो ये जितने भी सरकार कह रहे हैं ये सब पॉसिबल नहीं होगा। और उसके बाद ये भी लिखा था कि टेस्टिंग का जो इश्यूज है वो भी लिखा था। उसके बाद एक हफ्ते के लिए मैंने वही लिखा था कि मैं इसके बाद इस डिजास्टर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। पर जिस तरीके का जो स्टेप्स लिया गया, फिर मार्च 22 को जिस जनता कर्फ्यू का दिन था, उसी दिन मेरा ट्विटर लाइन पे आप देखोगे 22 दिन का माइग्रेंट वर्कर्स का इश्यू मैंने उसी दिन जिक्र किया था। मैंने कहा था कि जो रिवर्स माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इश्यू मुद्दा बनने वाला है और इस पे देखना चाहिए। उसके बाद 24 का जो जिन्होंने डिसीजन लिया, तब भी मैंने ये एग्जैक्टली सारे जितने भी चीजें हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि आप काम किए हैं सर्विस में, आप जानते हैं जो जगह पे रहे हैं, माइग्रेंट दादरा नगर हवेली में करीबन 1-2 लाख लोग काम करते हैं, तो इन आप जानते हैं कि किस व्यवस्था में रहते हैं, किस व्यवस्था में उन लोग वापस जाने वाले हैं। तो उसी टाइम मैंने पूरा लिखा था कि आप इनको जाने क्यों नहीं दे रहे वापस। और मार्च 30th को मेरे ख्याल से मिरर नाउ में इंटरव्यू था, उसमें भी पैनलिस्ट में मैं यही कह रहा था कि आप इनको जबरदस्ती इनके इच्छा के खिलाफ, देखिए एक बात होती है सरकार क्या सही समझता है नहीं समझता है, पर हमारे नागरिक है, हमारे जनता है, वो चाहते हैं कि एक इस तरीके का डिजास्टर आ रहा है जिसके पूरे दुनिया में अता पता नहीं है, किसी को नहीं पता इसके बारे में, और वो चाहते हैं कि वो अपना घर जाए, और ये तो हमें उनको सुनिश्चित करना चाहिए जिस तरीके से वो अपना घर जा सकते हैं और जितना जल्दी वो जा सकते हैं। क्योंकि मार्च में ही अगर वो चले जाते, जब केस 500 थे 1000 थे तब इतना फैलना नहीं था। सरकार कह रहे हैं हाँ ठीक है, 24 तारीख को अचानक रात के समय ये लॉकडाउन घोषणा किया प्रधानमंत्री, आज ट्रेन जा रहे, केंद्र सरकार कह रहे हम 85% पैसा दे देंगे और 15% राज्य सरकार को देना पड़ेगा, हम मुफ्त में खाना दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, और कह रहे राज्य सरकार उनसे ट्रेन नहीं मांग रहे, तो कौन जिम्मेदार है? तो यही मैं समझ पा रहा हूं, ये जो प्रवासी मजदूर का समस्या है ये ठीक है, ये तो राज्य सरकार को और कुछ करना चाहिए। नहीं देखिए, मैं उस पे जाना ही नहीं चाहता हूँ। बेसिक पॉइंट है कि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, आप एक निर्णय पे किस तरीके से आते हैं, उस पे मुझे सरकार के बारे में बहुत, मैं कई बार आलोचना कर चुका हूँ, आज भी यही इश्यू है। जब इन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है माइग्रेंट वर्कर्स को हम जाने नहीं देंगे, या जब वो 21 दिन का लॉकडाउन दिया था, तो डिसीजन मेकिंग सोचिए, वो प्रधानमंत्री उस टाइम टीवी पे आके ये कहता है कि कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध 18 दिन का था और आज जो हमारा कोरोना के खिलाफ जो युद्ध है वो 21 दिन का होगा, और अगर 21 दिन में हम ये जंग नहीं जीत पाए तो 21 साल हम पुराने मतलब पीछे चले जाएंगे। तो सरकार की
जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि 21 दिन लॉकडाउन करके हम कोरोना को ठीक कर देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आके कह रहे कि 21 दिन में नहीं हरा पाए तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। वो एक थॉट प्रोसेस था जिसके कारण लॉकडाउन किया डिसीशन मेकिंग। किसी ने सोचा नहीं कि किस तरीके से आप 21 दिन में कैसे आप रोक सकते हो। अगर एक इंसान भी रह गया जिसको आपने टेस्ट नहीं किया, उसको आप आइसोलेट नहीं किया, एक इंसान भी 21 दिन के बाद वो बाहर जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों का इम्यूनिटी तो आया नहीं है, वो बाहर जाएगा 10 लोगों से मिलेगा, वापस ये वैसे की वैसे ही ये बढ़ेगा। तो ये 21 दिन का जो थॉट प्रोसेस था, मुझे उससे बहुत ज्यादा दुखी मतलब दुखी है और मैं नाराज भी हूँ इस बात से कि इस तरीके माइग्रेंट लेबर के बारे में बात करूँ। ठीक है, आप मान लीजिए कि उसमें से दो ऑप्शंस थे, माइग्रेंट लेबर्स में कुछ लोग इन्फेक्टेड थे या माइग्रेंट लेबर्स में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं था। अगर कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है तो मार्च 24 को ही आप इनको वापस दे सकते थे, क्योंकि इन्फेक्टेड नहीं है तो गांव चले जाए या दूसरों को फैलाने वाली बात नहीं आती। अगर मान लीजिए कुछ लोग इन्फेक्टेड थे तो आपने क्या किया, कुछ लोग इन्फेक्टेड है तो आपने उनको कहा कि वापस जहां जहां आप रहते हैं वहां चले जाइए। और इन लोग कैसे रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में जाएंगे तो टिन शेड है, टिन शेड्स में रहते हैं, और जो शेल्टर कैंप या रिलीफ कैंप जो दिया है वो भी कंजेस्टेड स्पेस है। जो बीमारी जो पास में रहने से फैलता है, आपने ये अजम्पशन पे, हाँ इनमें से कुछ लोगों को हो सकता है, वापस वही अर्बन कंजेस्टेड स्पेसेस में आपने इनको छोड़ दिया। और इसके बाद आपने क्या सोचा कि ठीक है कितना दिन तक आप इनको रखेंगे, अगर इनमें से कुछ, आप ये अजम्पशन है किसी को नहीं है तो इनको जाने देना चाहिए, कि कुछ किस लोगों का है तो आपने कंजेस्टेड स्पेस में भेजा जिससे कि और फैलेगा, और कभी ना कभी तो ये इनको वापस जाने देना ही होगा आपको। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि आप 5 साल 10 साल तक इनको यही रखेंगे। तो कनन, कौन इसके लिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है? देखिए एक मिनट, नोटबंदी हुई थी नवंबर 2016 में, लोग इस पे भी टिप्पणी किया, मगर नरेंद्र मोदी सरकार का लोकप्रियता बढ़ गया, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत गया, जीएसटी के बारे में भी लोग टिप्पणी किया, सरकार माना नहीं। आज भी आप जैसे व्यक्ति कह रहे हैं कि जिस जल्दीबाजी में इन्होंने लॉकडाउन घोषणा किया, मगर इसमें तो सरकार का लोकप्रियता को शायद कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका क्या सोच है इसके बारे में? नहीं देखिए, कुछ चीजें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मोदी जी 2024 में भी आए, 29 में भी आए, 34 में भी आए, कभी भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात यह है कि एक लोकतंत्र में सरकार अगर कहीं भी लगता है, किसी एक आदमी को भी लगता है, 100 लोग है उसमें से 99 लोगों को लगता है कि सरकार सही कह रहा है, पर उसमें एक आदमी को लगता है कि सरकार कुछ गलत कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी बनता है वो बताने का। ये मैं समझता हूँ कि मतलब देश प्रेम का पार्ट है, पैट्रियोटिज्म का पार्ट है। मुझे कुछ लगता है कि अगर सरकार सही नहीं कर रहा है और उसके कारण बाकी लोगों को भी मतलब बाकी लोगों का भी जिंदगी में असर पड़ सकता है, तो सिर्फ मेरी राइट नहीं है, मेरे हक नहीं है वो बोलने का। मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि चाहे कुछ भी क्या हो जाएगा, जिस तरीके से सरकार जेल भेजेंगे तो भेजने दीजिए, या डिस्क्रेडिट करेंगे तो करने दीजिए। सरकार के साथ सपोर्ट में बोलना बहुत आसान है, पावर के साथ रहना बहुत आसान है, पावर के खिलाफ बोलना मैं समझता हूँ जरूरी है। और वो इसलिए है क्योंकि जब तक हम क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस को, जो जो एक सरकार ने एक डिसीजन लिया उसके जो काउंटर प्रोसेस है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो जब तक नहीं आएगी तो आप एक बेटर डिसीजन मेकिंग में नहीं आ सकते। सरकार एक तरीके से सोचता है, मैं नहीं समझता हूँ कि गलत तरीके से सोचता है। और जिम्मेदारी की बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस मोमेंट पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट से इन्होंने पावर छीन लिया, सेंट्रलाइज किया पूरी की पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर, कि अभी भी डायरेक्शन आते हैं स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से ही। इन द स्टेट ट्रैवल बैन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही, अगर आपको याद होगा, अभी भी 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर सस्पेंडेड है दिल्ली के, जिन्होंने बस अरेंज किया था वो मार्च 28-29 को जिन वो यूपी जाने देने के लिए, और दोनों वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर। और मान लीजिए जो 44 डीटीसी की बस के ड्राइवर, जिन्होंने अपने मतलब ये इनको हो सकता है सोच के भी उनको वापस जाने के लिए उन्होंने उस टाइम बस चलाया, उनके ऊपर FIR रजिस्टर्ड किया था उस दौरान, सोचिए कितने किया था। तो ये करना जो है ना, कि किसकी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ जब आपने डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर नेशनल पॉलिसी होगा, स्टेट वाइज पॉलिसी नहीं होगी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी सब कुछ, उसके बाद आप इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आप कोई भी चीज, मैं नहीं समझता हूँ कि वो गलत इंटेंशन से कर रहे हैं, पर उनकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सीमित है। और इस दौरान किसी ने उनको बोल दिया कि क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, तो एक अपॉर्चुनिटी है, इसको यूज करना चाहिए, और वो उस मोड में चले गए कि क्राइसिस तो हमारे हाथ से चला गया, अब जो हो रहा है होने दो, लाठी खा रहे, मरना है जो भी होने दो।
हम इसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी किस तरीके से ढूंढ सकता है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी किस तरीके से ढूंढ सकता है, वो उस मोड में चले गए। अच्छा एक मिनट का नंबर, हम वापस जाते हैं जहां से हम लोग शुरू किया था, कश्मीर के बारे में। आपने कहा कि आपने 5 अगस्त 2019 में जब 370 जो धारा इन्होंने खत्म कर दिया और फिर उसके बाद आपने इस्तीफा दिया 23 अगस्त, उस समय आपने कहा कि ये कश्मीर का लोगों का जो भी राय है, उनका जो भी अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, इसके बारे में सरकार कुछ नहीं सोचा। आज देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और मैं पहले ही एक बार डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, इसमें याचिका पेश किया है, उसमें एक संस्था है फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स, उसमें आई एम अ मेंबर, एक समय मैं उनका प्रेसिडेंट भी था, तो ये FMP इज वन ऑफ द पिटिशनर्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और विषय क्या था कि कश्मीर में 2G चल रहा है, अभी 4G लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक समिति गठन कीजिए, गृह मंत्रालय का सचिव, केंद्र सरकार का और सेक्रेटरी कम्युनिकेशंस और जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन के जो चीफ सेक्रेटरी है, इनको आप एक समिति गठन कीजिए कि सचमुच ये 4G इंटरनेट कश्मीर के नागरिक का एक मौलिक अधिकार की है कि नहीं, इज इट अ फंडामेंटल राइट। वहां का जो स्वास्थ्य के जो सेवा दे रहे हैं, जो शिक्षा का सेवा दे रहे हैं और जो व्यापार है, तो इसके बारे में आप क्या, आपका क्या राय है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय के ऊपर कुछ सिद्धांत नहीं लिया और बोला ये कमिटी ऑफ ऑफिशियल सिद्धांत लेंगे, और यही कमिटी ऑफ ऑफिशियल्स नहीं चाह रहे कि कश्मीर में 2G से 4G आ जाए, इस विषय के ऊपर आप कुछ कीजिए। देखिए ये सिर्फ यहाँ नहीं, इसके पहले जो जजमेंट आया था कि एक्सेस टू इंटरनेट थ्रू इंटरनेट जो सर्विसेज पे जो एक्सेस है वो फंडामेंटल राइट है, वो जो डिसीजन आया था उसमें भी कोई रिलीफ नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वापस जो रिव्यू कमिटी है वो इसको रिव्यू करे, जो इसके अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन के जो है, और उसके 2 हफ्ते के अंदर रिव्यू करे, और उसके बाद अगर 6 महीना लेके सुप्रीम कोर्ट को उस टाइम आपने एस्टैब्लिश भी कर दिया कि फंडामेंटल राइट है, उसके बाद उसमें आपने कोई रिलीफ नहीं दिया, आपने बोला है कि रिलीफ के लिए आप वापस एग्जीक्यूटिव के पास जाइए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स का, इतना क्लियरली सर कोर्ट ने कह दिया, पर वापस फिर से कह दिया कि इसको कंटिन्यू, इसका वायलेशन कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये वापस एग्जीक्यूटिव के पास जाइए, हमारे पास मत आइए। ये सुनने के लिए हम कोर्ट गए थे कि हाँ ठीक है, हमारी फंडामेंटल राइट ही वायलेट हो रहा था या कोई और राइट वायलेट हो रहा था, हम रिलीफ के लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। और कर्णन, आप भारत सरकार का और कश्मीर सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो याचिका दिया है वो भी पढ़ दीजिए। कश्मीर का क्या हो गया, अभी स्थिति क्या कुछ बदल गया? 2 हफ्ते पहले एक कर्नल, एक मेजर, एक पुलिस ऑफिसर, 2 हमारे सोल्जर्स, ये हंडवाड़ा में इनका मृत्यु हो गए थे, आप उसके बारे में मालूम है, रियाज अहमद नैकू जो हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा एक टॉप कमांडर है, वो भी एक एनकाउंटर किलिंग हो गया, उनका आर्मी था, CRPF था, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस था, तो ये सारे वहां पे जो स्थिति है क्या बदल गया, आप बताइए। आप तो कश्मीर के ऊपर जो हो रहे इसके ऊपर आप अत्यंत आप उत्तेजित होके आप IAS छोड़ के गए थे, हाउ डू यू सी आज जो कश्मीर का जो स्थिति है, इसमें कुछ खास बदलाव आया या नहीं आया? यही मेरा वापस यही चीज है, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, नोटबंदी जैसे आपने किया, वो कहा उन्होंने बोला है कि ठीक है नोटबंदी करेंगे, पर इसका गोल्स क्या था, मतलब ब्लैक मनी वापस ले आना, ब्लैक मनी तो नहीं आया, आपका फेक करेंसी को खत्म करना, तो अभी 2 जनवरी में 2000 RBI ने कहा कि हम नया 2000 की नोट छापना बंद कर रहे हैं क्योंकि इतने ज्यादा फेक करेंसी आए हैं 2000 के, तो इसलिए हमने छापना, तो फेक करेंसी का तो नहीं था। डिजिटल करेंसी भी मतलब जो कैश इन सर्कुलेशन है वो ज्यादा बढ़ गया उससे डिमोनेटाइजेशन से पहले से, तो जो आपकी गोल्स थे, डिसीजन लेने से कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। डिसीजन हमने निर्णय ले लिया, देखो ये निर्णय लेने वाला सरकार है, हम जो भी निर्णय ले सकता है, और इस पे छाती पीटने से नहीं होगा। निर्णय किस बात के लिए लिया जाता है, कोई चीज के लिए आप पेन उठा के इधर से उधर रख रहे हैं तो कोई कारण तो होगा, वो कारण क्या है, वो पहुंचा है कि नहीं, वो ज्यादा जरूरी है। GST देख लीजिए, उसके बाद 370 का मुद्दा देख लीजिए, उन्होंने कहा पहले कि ये क्या टेररिज्म खत्म हो जाएगा या डेवलपमेंट आ जाएगा या इंटीग्रेशन होगा इंडिया के साथ,
मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो जो भी खैर वो रीजन मेरा इस्तीफा का रीजन वो नहीं था, पर वो मेरा पॉलिसी डिफरेंस की जो बात कह रहा था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। टेररिस्ट क्या संविधान पढ़ के ज्वाइन करता है क्या, मतलब कि 370 है तो नहीं करूंगा, 370 नहीं है तो करूंगा, ये क्या है, मतलब इसका क्या लेना देना है टेररिज्म से? आप अगर ज्यादा फोर्सेस लगा रहे हैं उधर, या फिर आपका वहां का जो सिक्योरिटी अपैरेटस चेंज हो रहे हैं, या फिर वहां के जो लोगों के हमारे मतलब जो फीलिंग है वो चेंज हो रहे हो, तो समझ सकता है कि किस तरीके से वो चेंज हो सकता है। डेवलपमेंट किस तरीके से आप, क्योंकि बहुत सारे रीजन है जो डेवलपमेंट नहीं आने का, और किसी बहुत सारे चीजों में उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस हमारे से मतलब बाकी जो स्टेट से कई जगह से उससे अच्छा भी है। वो कश्मीरी को दूर करके आप कश्मीर को तो अपना नहीं सकते, आप उन वहां के जनता को एलिनेट करते हुए आप कभी भी उस टेरिटरी को आप अपना इंटेग्रेट कर सकते। तो आपका कौन सा टारगेट था जो आप हासिल करना चाह रहे थे? एक इरिटेशन था जो बहुत टाइम से जो था कि 370 क्यों है, 370 क्यों है, 370 क्यों है, ऐसे क्यों है कि कश्मीर को कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, इरिटेशन के हटाना है और उससे ब्रावाडो दिखाना था। वो इरिटेशन हटाया करके ब्रावाडो वो दिखा दिया, पर उसके बाद क्या? मैं इनकी बहुत सारे एग्जांपल, शायद थोड़ा क्रूड एग्जांपल होगा, पर इस सरकार की जो एग्जांपल मैं कई बार ये बताता हूं, जो जिस तरीके से हम रस्ते में जाएंगे तो जो कुछ कुत्ते हैं जो गाड़ी के पीछे भागते हैं, आप देखते होंगे कि वो कुछ गाड़ी के पीछे भागते हैं, एकदम डिसाइड कर लेते हैं कि इस गाड़ी के पीछे भागना है, वो भागते हैं, एकदम भोंकता है और इतना ताकत है कि गाड़ी तक पहुंच भी जाते हैं कई बार। पर अगर आप थोड़ा सा स्लो करके देखोगे गाड़ी को, तो एक बार पहुंचने के बाद, गाड़ी तक पहुंचने के बाद उसको पता नहीं होता करना क्या है, वो इधर उधर ऐसे ऐसे देखेगा और ऐसे करेगा और वापस चला जाएगा, और इस दौरान पूरा मोहल्ले को खराब किया, भोंका, कुछ भी किया, पर करना क्या है उनको क्लैरिटी नहीं था। ये हर एक डिसीजन में है, चाहे डिमोनेटाइजेशन है, करना क्या है, लॉकडाउन था 21 दिन में, करना क्या है, 370 हटाया क्यों, करना क्या है, आगे जाके करना क्या है, एनआरसी करना है बोला, वो बोल रहे थे 2 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स है, ठीक है आपने ढूंढ लिया, उसके बाद आप करोगे क्या? तो ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना होगा। मैं कर्नन आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे, खाना की ये सारे नोटबंदी कहिए, GST कहिए, NRC NPR कहिए, आर्टिकल 370 कहिए और लॉकडाउन, सब सिद्धांत, सब निर्णय के पीछे राजनीति आ जाता है। आपका यो उम्र कम है, भारत विश्व के आज आधा से 135 हमारे लोकसंख्या जनसंख्या है, लगभग आधा से आसपास 26-27 साल या उससे कम है। भारत वर्ष में आप जैसे व्यक्ति को बहुत युवाओं सामने देखते हैं, आप IAS अधिकारी थे, आप IAS छोड़ गए हैं, तो क्या आप भी राजनीति में आने वाले हैं, आप भी राजनीति ज्वाइन करेंगे, कौन सा पार्टी में आप आएंगे, ये बताइए। नहीं देखिए, मैं जो बातें कर रहा हूँ, जैसे निर्मला सीतारामन जी ने कहा इस आपदा के दौरान राजनीति नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ गलत है। राजनीति हर समय होना चाहिए, राजनीति मतलब जनता के लिए क्या सही है क्या गलत है ये बोलना, या पॉलिटिक्स मतलब क्या, जो भी आपको लगता है नेशन के हित मतलब देश हित में क्या है, हो सकता है आपका राय और मेरा राय अलग अलग हो सकता है, पर हमें हर टाइम बोलते ही रहना है और आपदा के समय जरूर सवाल पूछना है, क्योंकि आपदा के समय सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा ताकत पावर आ जाता है और उसका अब्यूज और मिसयूज करने का भी बहुत ज्यादा रीजन होता है। अभी देख लीजिए कितने सारे जो मेरे साथ जो प्रोटेस्ट में थे, चाहे वो सफूरा है, वो कई सारे लोग हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, उनको भी उन्होंने अरेस्ट किया, क्योंकि उनको पता है कि कोई किसी तरीके का भी बाहर निकल के प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जिस तरीके का जो होगा वो नहीं होगा, तो अब्यूज करने का भी चांसेस ज्यादा है। जिस तरीके से अपना ही जनता के ऊपर हम लाठी चार्ज कर रहे हैं, आप वीडियोस देख लीजिए, हमारे कोई वो कौन है, हमारी जनता जिनको हमें सेवा करने के लिए हम सरकार में आए हैं, उनके ऊपर हम लाठी चार्ज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना घर जाना चाहते हैं, वो कोई क्राइम कर रहा है, मतलब रोना आता है सोचते हुए कि हम उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं क्योंकि वो अपना घर जाना चाहते हैं, इस बात के लिए, क्योंकि हमने इसको जंग बना दिया, हमने कोरोना के खिलाफ जंग है और जो भी इसके मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हैं वो हमारे शत्रु है, किसी न किसी तरीके से वो सबको बंद कर दो या फिर हमारे स्टेट में ही आने दो, हमारे स्टेट के नंबर जो है कम होना चाहिए, इंडिया फाइट्स कोरोना, UP फाइट्स कोरोना, गुजरात फाइट्स, सब फाइट्स कोरोना, और इसमें जो भी है थोड़ा बहुत हिल रहा है वो सबको खत्म ही कर दो, कोरोना के नाम के अलावा कोई भी चीज से मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोरोना में नहीं आना चाहिए। तो ये सब जो है इस दौरान सरकार से सवाल पूछते रहना चाहिए, और मैं समझता हूँ जो भी कर रहे हैं, मुझे लगता है सरकार सही नहीं कर रहे, उसकी आवाज अगर मैं उठाता हूँ तो राजनीति है,
बिल्कुल राजनीति है, मुझे सरकार के रवैया पसंद नहीं है, सरकार की डिसीजन मेकिंग पसंद नहीं है जिस तरीके का वो करते हैं, इसलिए आवाज उठा, वो राजनीति है। पर चुनावी राजनीति, आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वो अलग बात। तो डिसीजन नहीं लिया तो समय बताइए आप सचमुच कोई राजनीति क्योंकि राजनेता बनेंगे नहीं, हमारा वक्त नहीं, हाँ या नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि एक चीज में, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे उनको लगेगा कि राजनीति कोई गलत चीज है, शायद इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहते, मैं ऐसा नहीं हूँ। राजनीति, चुनावी राजनीति भी, अगर जितने अच्छे लोग आएंगे उतना ज्यादा अच्छा है, सबको आना चाहिए, शायद मैं आऊँ ना आऊँ मुझे नहीं लगता मतलब उससे फर्क होना चाहिए, जितने लोग देखेंगे वो भी, उनको भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आना चाहिए चुनावी राजनीति को लेकर, इसीलिए मैं इतनी बात कहा मतलब, और मेरे बारे में मैंने डिसाइड नहीं किया है। धन्यवाद धन्यवाद कन्नन, आपने आपका समय न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच, और आप सब देखते रहिए न्यूज क्लिक। Thank you.